आपको कभी ऐसे राम जी का एक्सपीरियंस हुआ जब आपको लगा हो कि ये राम जी ही थे यहाँ पे तो 19 नवंबर 2022 को यहाँ पास एक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के मासिक मिलन मनाने का हमारी टीम ने जो है डिसीजन लिया ठीक है वो बहुत पहाड़ी इलाका था और वापसी के दौरान वो बहुत पथरीली सड़क थी तो किसी वजह से मतलब हमारे सामने हमारी आगे वाली गाड़ी जो है खराब हुई और जो गाड़ी जो मैं जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी वो गाड़ी हैंडब्रेक लगा करके मुझे उसमें से उतरना पड़ा पीछे जा कर के कम्युनिकेट करने के लिए क्योंकि हो नहीं पा रहा था उसके बिना गाड़ी हैंड ब्रेक पे थी खड़ी थी और चूँकि गाड़ी बंद थी इसलिए गेयर में भी थी और हुआ क्या कि चार पाँच मिनट के बाद कुछ पत्थर नीचे से हिला और पत्थर कोई हिले और मे बी इन अदर फाइव सेवन मिनट्स पत्थर खिसकने की वजह से गाड़ी का बैलेंस जो है वो गाड़ी मोशन में आ गई ओके okay. और वो गाड़ी उसके अंदर हमारे चार और सदस्य थे पांचवी मैं थी मैं निकल के बाहर आई वो गाड़ी बैक मार गई और वो खाई में गिर गई मतलब खाई में वो ढाल से गाड़ी नीचे आते आते मुझे पीछे से किसने आवाज मारी दीदी दी गाड़ी 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 गई मैंने सामने जब देखा तो मैं भाग के गई और उसको वहीं पर रोकने की मतलब प्रयास इंसान जैसे करता है अब गाड़ी थोड़ी ना हम ढाल पे गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं गाड़ी को रोकने के चक्कर में वो पथरीला था मेरा भी पांव स्लिप किया मैं खाई में गिर गई और देखते ही देखते उस गाड़ी ने दो पलटियां ली और वो कितने फुट नीचे खाई में जाके गिर गई और उसके अंदर हमारी चार सवारियां जिसमें एक सवारी हमारी मात्र डेढ़ साल का हमारा बेटा था एक एक जिंदगी और मौत में कितना एक फर्क है कि हमने महसूस किया है, है कि तो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं ये करेंगे हम इसको जो है टेलीकास्ट करेंगे हमारे लाइक्स आएंगे हमें नहीं मालूम हम वो लाइक्स देखने के लिए बचेंगे भी के नहीं बचेंगे हम अभी हम यहाँ बैठे हैं अभी भूकंप आए छत गिर जाए हमें नहीं मालूम जिंदगी और मौत में मतलब एक अंश का फर्क है सिर्फ और ये हमने अपनी आंखों से देखा है गाड़ी मैं जब तक ऊपर मेरे को मेरे दोस्तों ने खींच लिया मैं ऊपर आ गई और सामने ही गाड़ी एक बार पलटी दो बार पलटी और एक इंसान की लाचारी आप अपनी माँ को अपने दोस्तों को अपने सहेलियों के बच्चों को मौत के मुंह में पलटते हुए देख रहे हो और आप कुछ नहीं कर सकते और आप जिंदा खड़े हो लाचारी क्या होती है ये ये वो उस क्षण ने मुझे सिखाया और मतलब मुझे ये लग रहा था कि हे hey, प्रभु ये तुमने क्या किया ये तो चारों के चारों तेरी सेवा में लगे थे तू तू मुझे जिंदा रख रहा है या तो तू मुझे ले जाता साथ में ये तो मैं इस इस मतलब इस गिल्ट के साथ मैं कैसे जिंदगी जी पाऊंगी मेरे सामने आप ये देखो आपकी दोस्त उसमें है जो उसमें रोल प्ले कर रही है आपकी माँ जिसने आपको जना वो आपके सामने खाई में गिर रही है छोटे छोटे बच्चे उसमें हैं और अचानक से मुझे यूं लगा मैंने कहा हे प्रभु तू या तो मुझे भी इसी में ले जाता साथ अचानक से यूं लगा कि जब आपका मन डामाडोल हो रहा किसी ने एकदम से आगे आपको स्थिर कर दिया आपका स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रांग हो गया और वो गाड़ी जहाँ थी वहाँ एकदम से स्थिर हो गई बहुत कच्चे से दो पेड़ थे जिनको मेरे और आप जैसा शख्स भी शायद हिलाए तो वो टूट जाएंगे लेकिन उन्होंने इतनी भारी गाड़ी को रोक लिया और उस गाड़ी में से चारों सवारियों को गाड़ी के टायर ऊपर और छत नीचे ऐसे उल्टी गाड़ी और उसमें से चारों सवारियों को जीवित बाहर निकाल दिया और हर कोई वहां महसूस कर पा रहा था कि कुछ है कोई तो है जिसने ये सब किया वो और कोई नहीं थे वो सिर्फ और सिर्फ राम थे ये ये आप अगर कुछ ईमानदारी से करते हो और उसमें निष्ठा पूरी द सीक्रेट जैसे निष्ठा आपकी शर्त एक ही है कि आपका विश्वास शत प्रतिशत होना चाहिए 99.9 नाइन पॉइंट नहीं चलेगा ओनली 100 परसेंट विल वर्क एंड 100 परसेंट विल वर्क वो रंग दिखाएगा मैंने वहां पे उसको प्रभु को वहां साक्षात रूप में ऐसे पकड़ के खड़े हुए देखा जो कह रहा था बेटा तू डर मत मैं हूं तो ये यकीन जो है होना बहुत जरूरी है वो आपको दिखता है आपको खुली आंखों में दिखता है उसके लिए गुफाओं में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है सिर्फ यहां पे और यहां पे ईमानदारी रखने की जरूरत है वो आपको हर हाल में दिखता है प्रभु कलयुग में भी भक्तों के साथ आकर के खड़े होते हैं आप भक्त तो बनो अरे उसको पुकारो तो सही हम तो खुद ही बन जो है अरे मैं ये कर लूंगा मैं ये कर लूंगी मैं वो कर लूंगी अरे तुम नहीं कर सकते जो कर सकता है उसको पुकारो वही तुमसे भी करवाएगा बिल्कुल तो ये ये जो है वो है और वो दिखता है अब बहुत इमोशनल हो गए वो सीन मैंने देखा है ना मैंने देखा है आई कैन नेवर फॉरगेट दैट वो मतलब आप कितने लाचार होते हो आपके सामने आपकी मां गिर रही है मर रही है आपके आपकी सहेली मर रही है और उनमें से मैं कहती तो हूँ चारों में से किसी को कुछ हो जाता तो मैं क्या आज आज वाली एकता होती शायद मैं भी डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेती गिल्ट इज वेरी पेनफुल एंड गिल्ट इज वेरी स्ट्रोंग गिल्ट जो है आत्मग्लानी जो है ये बहुत ताकतवर होती है तो ये जो है लेकिन प्रभु आपकी रक्षा करता